आपकी मुलाकात मलकेश सिंह जी से कराते हैं। मलकेश सिंह जी मटेही गांव के रहने वाले हैं और हमारी इनकी करीब 15 साल 18 साल पुरानी दोस्ती है। ये जब पढ़ते थे तब से हमारे दोस्त हैं और इनका सबसे बड़ा शौक ये है कि ये इतने पर्याप्त मात्रा में जानवर ये पालते हैं और इसके अलावा बागवानी का बहुत शौक है और इन्होंने तमाम तरह के पेड़ पौधे सब लगा रखे हैं और इनकी रुचि इतना ज़बरदस्त है बागवानी की, शायद ही कोई पेड़ बचा हो जो मसाले वाला पेड़ या औषधीय पेड़, हर तरह के पेड़ ये मलकेश सिंह जी लगाते हैं। कब से आपको ये ऐसा रुचि हुआ? बचपन से। अच्छा, तो इसमें जो बागवानी आप कर रखे हैं यहाँ से लेकर के उधर पीछे तक, उनमें कौन कौन से पेड़ आपके पास मौजूद हैं? ये है कल्पवृक्ष। अच्छा, इसको कल्पवृक्ष कहते हैं जी। वाह, तो ये पेड़ कहाँ से आपने मंगवाया? इलाहाबाद। इलाहाबाद से? ये इधर तो नहीं दिखता है कहीं पर जी? इधर नहीं अपने जी। ये इंसुलिन का? हाँ, ये इंसुलिन प्लांट है। इसकी सीढ़ीदार पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों को यूज करते हैं ना जी? पत्तियों को। ये बासमती का? अच्छा जी। ये अजवाइन? अच्छा, अजवाइन है जी। वाह, तो बहुत तरह के पौधे आपने लगा रखे हैं। ये सर्पगंधा? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। बागवानी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मलकेश सिंह जी ने कौन कौन से पेड़ लगा रखे हैं। ये सिंगल बग गन्ने का? अच्छा जी, इसमें से 18 पेड़ निकलेंगे एक गन्ने की बट से। अच्छा, एक इससे 18 निकलेंगे जी, और इसका जो है इसको फिर चीनी मिल में सप्लाई भी किया जा सकता है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। और ये इलायची का? हाँ, ये इलायची का पेड़ है, इसमें निकलती है इलायची जी। पत्तों को चाय में डाला जाता है। अच्छा, पत्तों का यूज किया जाता है। ये लौंग का पेड़? ओ जी, ये लौंग काफी अच्छा। अच्छा, ये हींग है जी। तो अभी तो हींग निकली नहीं होगी? नहीं, अभी छोटा। हाँ, काफी अच्छा। ये काला अमरूद? अच्छा, ये सेंट्रल स्टेट फार्म में पहली बार बनाया गया था अपने गिरजापुरी में, काला अमरूद। आम? अच्छा, ये सभी महीने में आम आते रहते हैं इसमें। सब ढूंढ ढूंढ करके आपने लगाया है, बहुत तगड़ी बाग लगाई है आपने। ये कड़ी पत्ता? हाँ, ये नींबू की सारी वैरायटी है। अच्छा, ये कपूर? इसको हाथ में मस लेंगे पूरा, वही सुगंध कपूर जैसा। हाँ, कपूर जैसा ही है। एप्पल बेर? ये जी, काफ़ी बड़े बड़े बेर होते हैं ना इसमें। ये सुपारी का? अच्छा, खजूर जैसा बिल्कुल लग रहा है। ये सेब का? अच्छा, इसके थोड़ा सा कुड़ाई भोराई कराने ज़रूरत है इधर। ये तेज पत्ते का? तेज पत्ते का पेड़ है ये। वाह, और ये लुकाट का? लुकाट क्या होता है ये? ये खट्टा होता है, अपने सेंट्रल फार्म में पहले था। अच्छा, खाने वाला? ये बादाम का? अच्छा, ये जो सागौन जैसा लग रहा है बादाम का? ये बादाम का?
वाह, काफ़ी संग्रह किया है आपने। ऐसा करो कि इसके जो पेड़ हैं इसके सामने नाम की पट्टी और इसके जो वैज्ञानिक नाम वनस्पति नाम वो सब जो है इसमें लिख करके लगवा दो, अच्छा रहेगा। तो आपने देखा कि मलकीत सिंह जी के कितना इन्होंने संग्रह किया है तमाम तरह के। ये क्या है? कैरी। कैरी इसका क्या होता है? इसमें मीठा मीठा फल निकलता है, छोटे छोटे मीठे मीठे फल निकलते हैं। वाह, चाइनीज अमरूद। अच्छा, चाइनीज अमरूद, ये गोबर गैस प्लांट। अच्छा, अभी आपका बनती है घर पे? अभी आपका प्लांट चल रहा है? जी चल रहा है। बाकी सब लोग तो सब जगह से तो चला गया? जी हमारा चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो साथियों कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मलकीत सिंह जी का ये प्रयास। आप लोगों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से क्या कहना चाहेंगे मलकीत सिंह जी? जी हम चाहते हैं कि पर्यावरण से जुड़े रहें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। थैंक यू।